इदं मे यातिनं हन्तु सुखिता हन्तु यातयो उन्नमे उद्दकं वक्खं यथा निन्नं पवत्तति यथा वाई वहापुरा परिपुरन्ति सागरं एवमेव इत्तोदिन्नं पेतानं उपकपति अनिच्छा वतसंखार उपादवय धम्मेनो कायोजिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहंच सब पापस्स अकर्णं कुशलस्स उपसंपदा सचित्तपर्यो दपनं एतं बुद्धानो शासनं साधु 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 थियो सभी पुरिसा सबे अरिया सबे अनरिया सभी दीवा सभी मनुषा सबे मनुषा सभी विनिपातिका अविरहुंतु अभ्यापजहुंतु अनिघहुंतु सुखीयतान परिहरंतु दुखं मुचंतु यदालदं संपत्तिदो मा विगच्छन्तु कम्मशकं। जापान की महाउपासिका मैडम नोरिको ओगावा, इनके महादान से ये विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस टेंपल का निर्माण किया गया है और इसलिए आज उनके द्वितीय स्मृति दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर पूजनीय भिक्षु संघ के उपस्थिति में महापरित्राण पाठ का आयोजन किया गया था और वो अभी संपन्न हुआ है। मैडम नोरिको ओगावा ने ये जो दान दिया है ड्रैगन पैलेस के माध्यम से, ये जापान और भारत का मैत्री का प्रतीक भी है। और अभी हम देख रहे हैं कि 1999 में ड्रैगन पैलेस का उद्घाटन हुआ था, लोकार्पण हुआ था और आज 20 साल के बाद लाखों की संख्या से देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं। और यही नहीं तो जापान, चाइना, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश से भी यहाँ पर बहुत प्रतिनिधि हर साल आते हैं। और अभी ये ड्रैगन पैलेस जो है ये विश्व में शांति का शिल्प करके अभी पहचाना जाता है। मुझे विश्वास है कि मैडम नोरिको ओगावा जो चाहती थी कि भारत ये भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, यहाँ पर भगवान बुद्ध को ध्यान प्राप्त हुआ था और यहीं पर भगवान बुद्ध का महान परिनिर्वाण हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि मैडम नोरिको ओगावा का ये जो मिशन था बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने का, वो इस केंद्र के माध्यम से, ड्रैगन पैलेस के माध्यम से पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अपना शांति का संदेश देगी, ऐसा मुझे भरोसा है। आज हमने यहाँ पर 5 गरीब विद्यार्थियों को उनके आगे के जो शिक्षण है, एजुकेशन के लिए ओगावा सोसाइटी ने उनको दत्तक लिया है। हम चाहेंगे कि वो जो बच्चियाँ हैं वो आगे बढ़े और अपना शिक्षा प्राप्त करें, एजुकेशन प्राप्त किए और ऐसे हर साल हम 5 विद्यार्थी को अगले भविष्य के शिक्षण के लिए हम दत्तक लेंगे और उनका पूरा खर्चा ओगावा सोसाइटी करेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो धम्म क्रांति, न भूतो न भविष्य, धम्म क्रांति जो की है दुनिया में, अपने आप पे एक अलूटी धम्म क्रांति है। और जापान जैसा देश जो बौद्ध राष्ट्र कहलाता है, वहाँ के एक महान उपासिका मैडम ओगावा
बहुत ही श्रद्धावान समर्पित व्यक्तित्व, उनके काफ़ी उद्योग भी वहाँ पर है, लेकिन जितने भी कमाई वो करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धम्म के लिए वो दान देते हैं। यहाँ पर ये जो ऐतिहासिक अलौकिक इस प्रकार का ये ड्रैगन पैलेस टेम्पल जो बुद्ध विहार बना है, उसमें मैडम ओगावा जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहन सुलेखाताई कुम्हारी जी और ओगावा मैडम, ये जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उस प्रकार के मैडम ओगावा के सहयोग से रात दिन मेहनत करके, अथक परिश्रम करके ड्रैगन पैलेस जैसा एक सुंदर तीर्थ स्थल निर्माण हुआ है। ये ओगावा मैडम जी के ये दूसरी पुण्यानुमोदन कार्यक्रम हो रहा है। पुण्यानुमोदन इसलिए कि जो पुण्य कर्म उन्होंने किए हैं मानवता के प्रति, देश विदेश के लोगों के प्रति, धम्म के प्रति, जो उन्होंने पुण्य का कार्य किया है, उनके कार्यों को अभिवादन करने के लिए आज दूसरे, ये दूसरा वर्ष है उनके पुण्यानुमोदन के कार्यक्रम का। और ऐसे महान उपासिका मैडम ओगावा की याद में हर साल यहाँ की संचालिका, ड्रैगन पैलेस की निर्माता एडवोकेट सुलेखाताई कुम्हारी जी, इनके द्वारा हर साल यहाँ पर ओगावा मैडम को अभिवादन करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पुण्यानुमोदन का ये एक कार्यक्रम यहाँ पे हर साल होता है। आज भी मैडम ओगावा के दूसरी बरसी पर पुण्यानुमोदन का ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें नागपुर जिले से और सभी तरफ से माता उपासक उपासिकाएँ बड़ी संख्या भी यहाँ पर उपस्थित है, और सभी ने मैडम ओगावा के अभिवादन किया है। मैं मेरी ओर से भी, तमाम बौद्ध जनता की ओर से मैडम ओगावा के स्मृति को विनम्र अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये संत संत चित्त ती शरणं शरणं एतलोकं तरेव भुम्मा भुम्मा च देव गुणगण गहन व्यावत सबकल एते आयन्तु देव वर्कन कमये मेवाजे वसन्तो संतो संतो सहेतु मुनिवर वचन सोतु मग्ग समग्ग सबे सुचक्कवालेषु यक्ख देवा च ब्रह्मनो यंगमेहि कतं प्रिय सबसंपत्ति साधकं सबेतं अनुमोदित्वा समग्ग शासनेरत पमादरहिता हन्तु आरक्षसु विशेषतु शासन सच्चलोकञ्च वृद्धि भवतु सर्वदा शासनम्पि च लोकञ्च देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्दिं हन्तु सुखि सब्बे परिवारेहि आठनो अनिगासु मना हन्तु सह सब्बेहि यातिभि राजतो वा चोरतो वा मनोक्षतो वा अमनोक्षतो वा अगणितो वा उदाकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा कंटकतो वा नाखततो वा जनपदरोगतो वा असधम्मतो वा
असंधि ठीतो वा असपुरिशतो वा चंडहति असमीग गोना कुकुर अहिविचिका मनीषा पदीपि अच तच सुगर महिष यकर कसादिनी नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा सबे आरक्षं गहन्तो ईसा मग्गो विशोदियाति सब्रीतियो विवाजन्तो सब्बरोगो विनाशतु माते भवन्तु अन्तरायो सुखी दीघा युको भव भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता सब बुद्ध नो भावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता सब धम्म नो भावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता सब संघ नो भावेन सदा सोति भवन्तु ते।